अरे अम्मा, वो हेमंत भैया से बात हुई थी हमारी, कहे हैं कि अगले हफ्ते तक आ जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा बात है। छुट्टी मिल गया क्या उसको? अरे अम्मा, अगर छुट्टी नहीं मिलती तो आते कैसे? अरे हाँ, देखो कितना बढ़िया संजोग है, उसको छुट्टी मिल गया और तुम्हारे बाबूजी रिटायर भी कर रहे हैं। बहुत साल के बाद सब परिवार एक साथ रहेंगे। सही बात है। अरे बाबूजी, क्या हुआ? कुछ परेशान से दिखाई दे रहे हैं। अरे नहीं, बस यही सोच रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद हमें बहुत कुछ करना है। इसी वक्त कहाँ? स्टेशन रोड के पास, वहीं जहाँ तीन रास्ता मिलता है स्टेशन के पास। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। इतना रात को तैयार होके कहाँ जा रहे हैं? एक काम है, कोशिश करेंगे कि थोड़ा जल्दी आ जाएं। बाकी इतना रात में? अरे काम है तो क्या करें, तुम सो जाओ। चल The number you are trying to call is currently switched off. The number you are trying to call is currently switched off. बॉडी पे तीन गोलियों के निशान हैं। गोलियां बहुत नजदीक से मारी गई हैं, पॉइंट ब्लैंक रेंज, शायद रिवॉल्वर से शूट किया गया है। और कुछ आईडी वगैरह? चेक करता हूँ सर। देखो, तुमने फोन किया था? हाँ साहब। यहाँ से किसी को आते जाते या भागते हुए देखा? नहीं साहब, नहीं, हम आए तो कोई नहीं था यहाँ पे, अकेले थे। सर, विक्टिम के जेब से आईडी मिली है। विक्टिम का नाम है ओम मंडल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आदमी को इस तरह मारने का क्या कारण हो सकता है? ए बेटा पवन, ए बेटा उठो ना जल्दी से। देखो ना, तुम्हारे पापा बाहर बोल के गए कि आते हैं, इतना देर होगा आए ही नहीं। अम्मा कुछ बताया रहे कि कहाँ जा रहे हैं? बोले थे कि काम से जा रहे हैं, आ जाएंगे। अच्छा रुको, तुम टेंशन ना लो, हम लगाते हैं। The number you are trying to call is currently switched off. क्या हुआ? अम्मा उनका फोन तो बंद आ रहा है। अच्छा एक काम करो, पापा जहाँ काम करते हैं ना, उस साथ में लोग जो काम करता है, वो लोग को फोन करके पूछो तो कहीं उन लोगों को कुछ पता हो। इससे मोबाइल और इनहेलर मिला है, शायद विक्टिम का है, वहां पर गिरा हुआ था। मोबाइल ऑन करने पर पासवर्ड लॉक बता रहा है। सर देखो वर्मा, सर चेक करो। बाकी तो भी यहीं आसपास होंगे, पूरे एरिया में अच्छे से छानबीन करो। ये सीसीटीवी, दोनों का फुटेज निकलवा सर, और विक्टिम की फैमिली को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जी सर। अभी ओम मंडल? हाँ, हमारे बाबूजी स्टेशन के पास तीन रास्ता पर
उनकी लाश मिली, किसी ने उन्हें गोलियां मारी। ये कुछ सामान हमें क्राइम सीन से मिले हैं। सर ये तो हमारे बाबूजी का है। अगर आप इस फोन को अनलॉक करके दे तो हम इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा सकते हैं। सर हमारे बाबूजी अपने मोबाइल का पासवर्ड किसी को नहीं बताते थे। शायद आपकी माँ को मालूम है। उनको भी नहीं पता सर। आपके बाबूजी की किसी से कोई दुश्मनी या फिर कोई झगड़ा? नहीं सर, हमारे बाबूजी तो बहुत साधारण आदमी थे, कि किसी से दुश्मनी तो छोड़िए, उन्हें कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की होगी। वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थे, तो ऑफिस तो 6 बजे तक बंद हो जाता होगा। इतनी रात को बाहर क्या कर रहे थे? अरे वो कभी घर से बाहर नहीं जाते थे, रात को पता नहीं किसका फोन आया, चले गए। वर्मा सर, फोन को साइबर सेल भेजो और अर्जेंट बेसिस पर डेटा और कॉल रिकॉर्ड कर लो। जी सर। सर ओ बाबर, सॉरी सर, आप खा लीजिए, मैं बाद में आऊँ। अरे नहीं, आओ बैठो। थैंक यू। बोलो क्या खाओगे, गरम गरम? नहीं सर, मैं लंच करके आया। पक्का? जी सर। अच्छा, जरूरी बात, ओम मंडल की कॉल डिटेल निकलवाना बहुत जरूरी है। हमें यह पता करना है कि उस रात को किसका फोन आया था जिसके बाद वो इतनी रात को घर से निकली। सर सॉरी सर, मैंने आपको डिस्टर्ब किया सर। नहीं बोलो सर, हमने उस जगह काफ़ी लोगों से बातचीत की है, लेकिन किसी ने कुछ सुना है ना देखा है। और हाँ सर, क्राइम स्पॉट पे 2 CCTV फुटेज में से एक कैमरे का फुटेज तो करेक्ट निकला है और दूसरे कैमरे का फुटेज ये रहा। चलो एक बात तो क्लियर कि गाड़ी की नंबर प्लेट उसी कैमरे में दिखी है जिसका फुटेज करप्ट हो गया। उस फुटेज को फौरन IT सेल भेजो और उनसे बोलो किसी भी हालत में उसे रिकवर करें। गाड़ी का नंबर मिलना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया है, 38 mm इटालियन रिवॉल्वर, प्रोफेशनल किलर्स, बहुत सोच समझ कर ओम मंडल की हत्या की गई। लू निकालो सर। बाबूजी की बाड़ी को आने में 2 घंटे और लगेंगे, मैंने और भी लोगों से बोल दिया है। तो सर हम 3 भाई बहन, हेमंत भैया सबसे बड़े, उनकी शादी 4 साल पहले ही अंजलि भाभी से हो गई थी। हेमंत भैया गुजरात में कॉटन मिल में काम करते, अंजलि भाभी का मायका यही है तो वो मायके आई हुई थी। जैसे ही उनको खबर मिली वो तुरंत घर आ गई। हेमंत अभी कहाँ है? सर वो भी आ रहे हैं, रास्ते में। और तुम्हारी बहन? सर प्रिया वो तो अपने पति के साथ घर आ चुकी है, उसका पति सुमित इंश्योरेंस एजेंट है। तुम्हारी शादी नहीं हुई? नहीं सर, लेकिन हमारी सगाई हो चुकी है। बाबूजी ने ही नेहा को हमारे लिए पसंद किया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक किसकी नजर लग गई। चिंता मत करो, तुम्हारे पिता के हत्यारों को बहुत जल्दी खोज निकालेंगे। फिलहाल घर जाओ, जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे। जी सर। मिश्रा जी, सबसे पहले ओम मंडल के घर वालों की पूरी हिस्ट्री निकालो, पता करो कि उन सबकी दिनचर्या कैसी और कत्ल के वक्त कौन कौन कहां था और किसके साथ था। पड़ोसियों से भी पूछताछ करो, देखो क्या बोलते हैं। जी बिल्कुल सर। ये रहे ओम मंडल के कॉल रिकॉर्ड्स। कल रात ओम मंडल की किसी गिरीश पांडे नाम के आदमी से फोन पर बात हुई, उसके बाद ही वो घर से निकले थे। गिरीश पांडे, कॉल ट्राई किया? ट्राई किया सर, रिंग हो रहा है लेकिन उठा नहीं रहा। डिटेल्स मंगवा लिए सर। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ सुषमा, जितना जल्दी हो सके मैं से निकलना है। बात क्या है, आप इतना घबरा क्यों रहे? सवाल जवाब का वक्त नहीं है हमारे पास, जैसे हम कह रहे हैं वैसे करो।
ओम मंडल की अचानक हुई हत्या ने छोटे से मुंगेर शहर में बहुत बड़ी सनसनी फैला दी थी। आखिर ओम की हत्या किसने और क्यों की थी? वो शख्स कौन था जिसने ओम से उस रात फोन पे मिलने की बात की थी? क्या ओम की हत्या में उसी का हाथ था? पुलिस के लिए एक बहुत कठिन केस की ये महज शुरुआत थी। साहब, ओम भाई की लड़की प्रिया बीच में गायब हो गई थी, पूरे मोहल्ले में इस बात की चर्चा थी। वही साहब, लव सबका चक्कर था। कुछ महीने पहले की बात है, प्रिया बिना किसी को बताए हुए अपने बॉयफ्रेंड सुनील के साथ भाग गई थी। सुमित में खराबी क्या है? हम प्यार करते हैं एक दूसरे। अरे बाहर में जाओ तुम और तुम्हारा प्यार। चलो ठीक है, मैं कहता हूँ निकलो यहाँ से। देखिए, सब हम ही को देख रहे हैं। अब जो हो गया वो तो बदल नहीं सकते ना बाबूजी। आशीर्वाद दे दीजिए। अरे बाहर में गया तू और तेरा आशीर्वाद। पता नहीं किस गंदी नाली के कीड़े के साथ प्यार रचाया तूने। ना नाम देखा ना खानदान। सर। हाँ वर्मा। पड़ोसी उसे पूछताछ करके पता चला कि ओम मंडल की बेटी प्रिया ने भाग के शादी की थी और प्रिया के पति के साथ ओम मंडल की हाँ सुनी भी हुई थी। एक और बात सर, श्री गिरीश पांडे बिहार समाचार पत्रिका में सीनियर एडिटर और क्राइम रिपोर्टर है। अब समझ में नहीं आ रहा इस गिरीश पांडे के साथ ओम मंडल का क्या कनेक्शन हो सकता है। तो ये गिरीश ही बता सकता है। उसको थाने ले करो। और ये प्रिया का हस्बैंड सुमित, सुमित और उसके सारे घर वालों के कॉल रिकॉर्ड भी निकलवाओ। सर तो लॉक लगा हुआ है। पड़ोसी से पूछताछ करते हो? जी बिल्कुल। सुनिए सर। जी सर। गिरीश पांडे यहीं रहते हैं ना? जी सर, रहते तो यहीं पे हैं। आपको जानते हैं इनके बारे में? दोनों साथ में निकले अभी थोड़ी देर पहले और उनके साथ में बहुत सारा सामान था। कैसे गए? बाइक से गए, गाड़ी से गए? कोई नंबर वगैरह देखा आपने? नहीं सर, देखा तो नहीं है। जाते वक्त कुछ जिक्र किया था उन्होंने, फ्लाइट से जाएंगे, ट्रेन से, बस से? नहीं सर, कोई जिक्र नहीं किया उन लोगों ने। थैंक यू। ओके सर। कंट्रोल रूम से तुरंत कोऑर्डिनेट करो और पता करो गिरीश का मोबाइल लोकेशन क्या है। जी बिल्कुल। हाथ से निकलना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। सर, गिरीश का लोकेशन बस स्टैंड के पास का है। यार एक मिनट रुको, थोड़ा आगे रुको। जी सर, उस रात मैंने ओम जी को फोन किया था। वो जो हमारी बात हुई थी उसको अंजाम देने का वक्त आ गया है। कब? इसी वक्त। कहाँ? स्टेशन रोड के पास। ठीक है, मैं भी आता हूँ। और हम तीन रास्ते के पास मिले भी थे। और फिर तुमने उन्हें मार दिया? नहीं सर, मैं किसी को क्यों मारूंगा। तो फिर इतनी रात को उन्हें फोन करके उस सुनसान जगह पर क्यों बुलाया था? देख गिरीश, हमसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं होगा। हमें न्यूज ब्रेक करने के बारे में भले ही कुछ नहीं मालूम, लेकिन हड्डियां ब्रेक करने के मामले में हमारी मास्टरी है। सर, ओम जी के पास अपने डिपार्टमेंट की एक बहुत बड़े स्कैन की इंफॉर्मेशन थी जो मेरे साथ शेयर करने वाले थे। उनका कहना था कि इस स्कैन में काफी बड़े नाम भी इन्वॉल्व हैं। मामला संजीदा था, इसलिए किसी सुनसान जगह पर मिलने की बात हुई थी। तो क्या इन्फॉर्मेशन शेयर की उन्होंने? कुछ नहीं सर, वो बस मुझसे मिले और कहे कि फिलहाल उनके जान को खतरा है, कोई उनका पीछा कर रहा है, पर हमारी अगली मुलाकात में मुझसे सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करें। अगर तेरी बात छोटी निकली ना, तो जिस अखबार के लिए काम करता है उसकी अगली हेडलाइन तेरे नाम की हो।
अभी जाने दे रहा हूँ, लेकिन शहर छोड़कर मत जाना। वर्मा सर, इसका आगा पीछा सब खुद निकालो। जितना सीधा ये खुद को दिखाने की कोशिश कर रहा है उतना है नहीं। लेकिन सर, अगर हम मान भी ले कि ये सच बोल रहा है तो भी ओम मंडल इसको ऐसा भी क्या बताने वाला था? वही तो कन्फ्यूजन है कि मामला प्रोफेशनल है या पर्सनल। दोनों एंगल्स को टटोलना पड़ेगा। ओम मंडल के ऑफिस में भी पूछताछ हो। सर सर, ओम साहब तो बहुत अच्छे इंसान थे, बिल्कुल हीरे जैसा दिल था उनका। सर ये क्या कर रहे हैं? अरे तुम्हारी सांस के दबा के काम आएंगे। लेकिन सर, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? तुम मेरे बेटे की तरह हो, ले सकते हो। रख। क्या ओम मंडल ने तुम्हारे सामने कभी किसी स्कैम का जिक्र किया था? नहीं सर, ऐसा कभी कभी भी नहीं कहा उन्होंने कुछ। ठीक है सर। सर मैंने ओम जी के और भी कलीग से बात की है, लेकिन किसी के मुंह से किसी तरह के स्कैम के बारे में नहीं सुना सर। मैं सर बाकी कलीग से बात करके देखते हैं, किसी ने कुछ तो सुना होगा। जी बिल्कुल। क्या करेंगे? सब ठीक हो जाएगा। प्रिया, यही सही मौका है, अपने भाइयों से हिस्से के बारे में बात कर। सुमित, हमने तुमसे कहा ना, हमें कोई हिस्से विस्से की बात नहीं करनी। और अगर तुम्हें इतनी बड़ी है तो तुम खुद जाके बात कर, हमसे नहीं होगा। कमरे में चलिए। आप हेमंत भैया, देखिए हम जानते कि यह सही वक्त नहीं है ये सब बातें करने का, लेकिन बात इतनी जरूरी है कि। सुमित क्या बात है, खुल के साफ साफ बोलो। वो हम ये कहना चाहते थे कि बाबूजी के मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी का 3 बराबर हिस्सा होना चाहिए, और कानूनी रूप से प्रिया का भी एक हिस्सा बनता है। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? बाबूजी की चिता अब तक ठंडी नहीं हुई है और तुम अपने रंग दिखाने लग गए। संभालो भैया। ये सुमित, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। सबकी नजरों में बहुत इज्जत थी उसकी। होती भी कैसे ना, एक नंबर का ड्रामेबाज और बनावटी था वो। मतलब? सर कई बार मैंने उसको किसी के साथ फोन पर खुसू-खुसू करते हुए देखा था, और ऑफिस के वक्त भी बीच बीच में गायब हो जाता था 2-3 घंटे के लिए। मुझे लगा कि कोई लड़की लड़की का चक्कर होगा। अच्छा ये बताओ कि ओम किसी स्कैम वगैरह के बारे में पता कर रहा था? सर वो 2 नंबरी जर्नलिस्ट गिरीश को तो जानते ही होंगे आप। हमारे ऑफिस में भी कई लोगों को ब्लैकमेल कर चुका है। आज से कुछ महीने पहले मैंने ओम को गिरीश के साथ जाते हुए देखा। ओम की अचानक हुई हत्या ने जहां कई सवाल खड़े कर दिए थे, वहीं उसके किरदार के कई पहलू भी सामने आने लगे थे। आखिर ओम की जिंदगी से जुड़ी ये संदिग्ध महिला कौन थी? क्या ओम की हत्या से इसका कोई वास्ता था? पत्रकार गिरीश की बातों में कितनी सच्चाई थी? क्या वाकई किसी घोटाले की जानकारी ओम के पास थी, या खुद ओम किसी घोटाले को अंजाम दे रहा था? जिस रात ओम मंडल जी की हत्या हुई, तुम और सुमित कहाँ थे? जी हम दोनों उस रात अपने घर पे ही थे। अपने पिता से आखिरी बार कब मिली थी? देखो मैं तुम्हारी और सुमित की लव मैरिज और उससे जुड़े पूरे टंटे के बारे में मालूम है, तो बेहतर यही होगा कि जो कुछ भी है साफ साफ बता दूं। देखिए उस बात को तो 6 महीने से भी ज्यादा हो चुका है, वैसे भी ये बात मुझे जिंदगी भर खाएगी कि मैं अपने बाबूजी के बहुत से पहले उनके साथ अब तक रिश्ते नहीं सुधार पाई। तुम्हारे बाबूजी की हत्या की खबर सुनकर सुमित का क्या रिएक्शन था? सिर्फ सुमित बाबूजी को अपने पिता समान मानता था, उनकी मौत की खबर सुनकर उसको भी बहुत धक्का लगा। धक्का? हमने तो सुना कि दोनों के बीच में धक्का मुक्की हुई थी। पता नहीं किस गंदी नाली के कीड़े के साथ प्यार रचाया तूने, ना नाम देखा ना खानदान। बाबूजी आप हमारे खानदान पे ना ही जाए तो बेटर होगा, वरना हम भूल जाएंगे। क्या वरना? पवन तो हट, चल बाहर। बाबूजी ने बोला बाहर निकले, चल बाहर। अरे बाहर और समय धमकी देकर भी गया था। बहुत हो गया, अगर हमने हमारी कमीज छोड़ दी ना तो बहुत बुरा होगा। दिखा दी ना इसने औकात,
इसलिए कहा था। चलो चलो तुम लोग अंदर चलो। नहीं सर, बाबूजी बस हमारी शादी से नाखुश थे, नाराज थे, बस इसलिए थोड़ा सा कहासुनी हो गई, बस इसी बात से वो नाराज हो गए और कुछ नहीं। तुम उस रात कहाँ थे? सर हम गुजरात में थे, इसी हफ्ते एक हफ्ते की छुट्टी लेके अपने घर आने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही बाबूजी। तुम्हें किसी पे शक है? सर हमने अपने ससुर जी को नहीं मारा है, हम तो बस वो मामूली से लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है सर। तो लाइफ इंश्योरेंस करते करते अपने ससुर जी का लाइफ इंश्योरेंस क्लेम करने का भी प्लान बना लिया? सच बता, तेरे ससुर ने तेरी और प्रिया की शादी को नहीं माना था, इसी बात से चिढ़कर उसे मरवा दिया ना? साहब ये सब बदला बदला का कहानी टीवी और फिल्मों में ही अच्छा लगता है, असल जिंदगी में तो कोई भी इसे बेबुनियाद ही मानेगा ना साहब। और तेरे लालच की बात भी बेबुनियाद है। लालच साहब? कौन सा लालच साहब? बोला मत बन, हेमंत ने सब कुछ बता दिया। तेरे ससुर की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी और तूने प्रिया के भाइयों से प्रिया के हिस्से की बात करना शुरू कर दिया था। सब बात यह है कि हमारी माली हालत ठीक नहीं है, तो हमने सोचा कि बाबूजी के जाने के बाद उनकी सारी संपत्ति सारे पैसे दोनों भाई आपस में ही बांट लेंगे, हेमंत और पवन। तो हम बस यही चाहते थे कि एक हिस्सा प्रिया को भी मिल जाता, तो हम उन पैसों से कुछ एक धंधा कर लेते साहब। सर हमें तो बस बाबूजी के मरने के बाद होने वाले फायदे का लालच था, लेकिन हमने बाबूजी को मारा नहीं है। सर एक मिनट, सर ये रहे सबके कॉल रिकॉर्ड्स। वो गिरीश का क्यों? सर ये देखिए, ये रहे उसके रिकॉर्ड्स। गिरीश पांडे क्राइम रिपोर्टर, तो इतना तो मालूम ही होगा, क्राइम नेवर पेज। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से तुम उस जगह मौजूद थे जहां ओम मंडल की हत्या हुई, और तुम्हें खुद ब्लैकमेलिंग के जुर्म में अरेस्ट किया गया था, और ओम मंडल भी तो कोई स्कैम उजागर करना चाह रहे थे ना, तो दो और दो चार मिलकर सारे रास्ते तुम्हारी तरफ ही इशारा कर रहे हैं। सर जिस केस की आप बात कर रहे हो उस केस में मुझे झूठे एलिगेशन में फंसाया गया था, इसलिए बाद में मुझे रिहा किया गया, इसी के बाद मैंने ओम जी से मुलाकात की थी। गिरीश साफ साफ बता दो माजरा क्या था, वरना बाहर की खुली हवा तुम्हें नसीब नहीं होगी। सर मुझे पता था कि आयकर विभाग में बड़ी धांधली चल रही है, लेकिन इसे प्रूफ करने के लिए मेरे पास कोई पक्के सबूत नहीं थे, इसी के बाद मैं ओम जी से मिला और उन्हें कन्विंस किया कि वो मेरा साथ दे। ओम जी बहुत भले इंसान थे, वो तुरंत मेरा साथ देने में राजी हो गए। यही वो स्कैम है सर जिसमें मैं और वो काम कर रहे थे, और ये स्कैम सामने आने से काफी लोगों की नौकरी खतरे में पड़ जाती। तो इसलिए तुमने उनसे सारे सबूत लिए और जब ओम जी ने विरोध किया तो उन्हें मार दिया? तुम्हारा झूठ ही तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गया गिरीश। सर मैं ओम जी से मिला था, लेकिन ना उन्होंने मुझे कोई फाइल दी और ना हमारे बीच में कोई लड़ाई हुई। हम दोबारा मिलने वाले थे, लेकिन उसी रात ओम जी की हत्या हो गई और मैं बहुत डर गया था, और इसीलिए अगली सुबह हम अपना घर छोड़कर कहीं दूर भागने वाले थे ताकि मेरी पत्नी पर मुझ पर कोई आँच ना आए। सर ये खेल पिछले 6 महीने से चल रहा है, और हो ना हो ओम जी की शहादत भी इसी वजह से हुई है। तो और कौन कौन शामिल है इस खेल में? सर इस खेल में तो काफ़ी प्यादे हैं, लेकिन ये खेल आयकर विभाग के सबसे बड़े ऑफिसर्स के दत्ता लाल गुप्ता के इशारों पर चलता है। कुछ मिला मनोज? सर पूरा घर छान मारा, कुछ नहीं मिल रहा है। गिरीश ने के दत्ता और लाल गुप्ता के बारे में बताया, और यहां उनका कोई सुराग नहीं। आप लोगों को मालूम है ओम जी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के किस स्कैम को उजागर करना चाह रहे थे? बाबूजी ने तो हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। अम्मा तुम्हें कुछ पता था क्या? नहीं बेटा हमको भी कुछ नहीं पता है। नहीं वर्मा,
दत्ता पर इस तरह हाथ नहीं डाल सकते। उससे पूछताछ करने के लिए कुछ ठोस सबूतों की जरूरत पड़ेगी। उसकी पहुंच डिपार्टमेंट के हर बड़े ऑफिस में। अगर वाकई उसका हाथ ओम मंडल की हत्या में है तो हमें रोकने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ ट्राई करेगा। सर, मैंने हमारे कुछ कांस्टेबल्स को गुप्ता पे नजर रखने के लिए कहा है। आखिर वो दत्ता का राइट हैंड है, उसकी एक्टिविटीज से हमें कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। राइट, इस दत्ता की ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी करो, कुछ ना कुछ क्लू तो मिलेगा। और एक काम और करो, गुप्ता से मिलो, देखें क्या बोलते हैं। सर, देखिए आप लोग जो कह रहे हैं ना बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हमने आज तक एक रुपया भी हमारे जीवन में बेईमानी का नहीं खाया है, और ओम मंडल को हम क्यों मरवाएंगे? देखिए ओम जी को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वो भला हमारे खिलाफ सबूत क्यों इकट्ठा करेंगे? तो फिर किसके खिलाफ करेंगे? के दत्ता के या फिर किसी और के? चलिए ये बताइए, हत्या वाली रात आप कहाँ थे? हत्या वाली रात हम हमारे घर पे ही थे। ठीक है, मान ले। गुप्ता जी एक बात याद रखिए, झूठ के पैर नहीं होते और सच सामने आ ही जाता है। फिर मुलाकात होगी। सर, हाउ आर यू? मैं इनकम टैक्स ऑफिस गया था, लाल गुप्ता से बात हुई मेरी, लेकिन वो जैसे बात कर रहा था मुझे ऐसा लगता है वो हमसे कुछ छिपा रहा है। वर्मा, लाल गुप्ता की सारी हिस्ट्री खोद निकालो, इसकी अलाबाई, कॉल रिकॉर्ड, सब कुछ। अच्छा, वो मिश्रा ने दत्ता के बारे में पता किया? सर, सरप्राइजिंगली दत्ता खुद आपसे मिलना चाहता है। देखिए ठाकुर साहब, ना तो मैं किसी स्कैम में शामिल हूं और ना ही मैंने ओम मंडल जी का मर्डर किया। आप चाहें तो अपने तरीके से इसकी जांच करवा सकते हैं। आपको क्या लगता है ओम मंडल को किसने मारा होगा? ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन एक काम की बात आपको बता सकता हूं। जिस स्कैम की आप बात कर रहे हैं ना, इस स्कैम में ओम मंडल खुद लिप्त है। क्या आप चाहें तो उनके बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं, आपको खुद ब खुद इसकी जानकारी मिलेगी। अब आप ही बताएं कि एक सीधे साधे इंसान का ये टेढ़े तिरछे जन्म से क्या संबंध हो सकता है? अम्मा, हमें ना हर हाल में ये बात सबसे छुपा कर रखनी होगी। अगर किसी को पता चल गया है ना तो बवाल हो जाएगा। सर, और दत्ता की इन्फॉर्मेशन तो सही निकली, ये रही ओम मंडल की बैंक स्टेटमेंट और लोन अकाउंट डिटेल्स। सर, इस अकाउंट में 3 बार 1-1 लाख करके पैसे डिपॉजिट किए गए थे, और ऊपर से ओम मंडल ने खुद 10 लाख का एक लोन लिया हुआ था, घर गिरवी रख के लिया था ये लोन। और ये देखिए सर, एक और खास बात, पैसे डालने के 10 दिनों के अंदर बैंक से सारे पैसे निकाल लिए गए थे। मतलब ये ओम मंडल इतना भी सीधा नहीं है जितना हम समझ रहे थे, और इस गिरीश ने भी बहुत सारी बातें छुपाई। वर्मा, हो ना हो ये दोनों मिलकर कोई बड़ा गेम प्लान कर रहे थे। गिरीश, बैंक स्टेटमेंट से तो कुछ और ही एंगल सामने आ रहा है। अब हम किसकी बातों पर यकीन करें? क्या ओम मंडल खुद ही स्कैम में इन्वॉल्व थे, या फिर वो तुमसे झूठ बोल रहे थे, या फिर तुम हमसे झूठ बोल रहे थे? सर देखिए, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ओम जी ने स्कैम में कुछ पैसे लिए हैं, लेकिन उन्होंने ये पैसे इसलिए लिए थे ताकि इस स्कैम से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उस पर भरोसा कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके, इसलिए उन्होंने सारे पैसे बैंक से निकाल कर कहीं सेफली रख लिए थे। सर आप ही सोचिए ना, अगर वो भ्रष्ट इंसान होते तो क्या वो खुद अपना घर गिरवी पर रखकर बैंक से 10 लाख रुपये लेते? सर प्लीज़, आप मुझे एविडेंस फाइल दे दीजिए और यहाँ से जाने दीजिए। सॉरी गिरीश, इन सारी ब्रेकिंग न्यूज़ को हम खुद पुलिस स्टेशन में सॉल्व करेंगे, और उसके बाद डिसाइड होगा कि असली ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है और इस ब्रेकिंग न्यूज़ के पीछे किसका हाथ है। सर, ये है हमारे घर के मॉर्गेज पेपर। बाबूजी ने लोन हमारे लिए ही लिया था, हमें एक स्पेयर पार्ट्स की दुकान खोलनी थी तो हमें कुछ पैसों की जरूरत थी। बाबूजी, UPSC की परीक्षा तो हम 32 साल की उम्र तक देते रहेंगे, लेकिन ऐसे घर पे बैठ के क्या करें? और कुछ दिनों में तो हमारी नेहा से भी शादी हो जाएगी, तो हम सोच रहे थे कि एक स्पेयर पार्ट्स की ना छोटी सी दुकान खोल लें, कुछ आमदनी होगी तो अपने पैरों पे भी खड़े हो जाएंगे। तो अगर कुछ पैसे मिल जाते। मैं देखता हूँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। बाबूजी इन्हीं पैसों से हमारी मदद करने वाले थे। और वो 3 लाख रुपए जो 1-1 लाख करके उनके अकाउंट में आए थे, उसका क्या? सर ये बात शायद अम्मा को पता होगी, बाबूजी ने इन 3 लाख के बारे में हमें कभी नहीं बताया। इन्होंने 10 लाख रुपया कर्जा लिया था, लेकिन 3 लाख रुपयों के बारे में हम लोगों को कुछ नहीं पता है। प्रिया के पापा बहुत ईमानदार थे। तो फिर वो रिश्वत के 3 लाख रुपए कहाँ गए?
आपके पति का किसी और बैंक में भी अकाउंट? हम लोग को नहीं पता है सर। ठीक वर्मा सर, ओम मंडल के ऑफिस ड्रॉर्स की तलाशी लो। ओम मंडल के सीक्रेट अकाउंट में सिर्फ 50,000 रुपए को ही एंट्री है। बाद में ओम मंडल ने ये पैसे 25,000 करके किसी किरण शर्मा के अकाउंट में ट्रांसफर किया। अभी किरण शर्मा कौन है और इसका ओम मंडल से क्या कनेक्शन? सर सर, मैं ओम मंडल के परिवार वालों के कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहा था। मैंने एक बड़ी अजीब चीज नोटिस की। क्या? सर, ओम मंडल की हत्या वाली रात ओम का बड़ा बेटा हेमंत गुजरात में नहीं बल्कि यही मुंगेर में था। तुम्हारी जेब में पड़े छोटे से मोबाइल ने तुम्हारी पोल खोल दी। अब सच सच बता दो कि हुआ क्या था। सर, हमने कुछ गलत नहीं किया। हमारी अम्मा को हमारे ससुराल वाले बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए जब भी अपने ससुराल जाते तो अम्मा को कुछ नहीं बताते। एक झूठ बोलकर अगर अम्मा के हरकम से बचा जा सके तो इसमें बुराई क्या है सर? आईटी सेल ने सीसीटीवी फुटेज का कुछ हिस्सा रिकवर किया। ये रही फुटेज। इस फुटेज में जो बाइक नजर आ रही है, ऐसी तो सैकड़ों बाइक्स होंगे शहर में। सर ये देखिए, इस बाइक का जो नंबर प्लेट है इसका 3 डिजिट तो ठीक से विजिबल तक नहीं। हम खूनी तक पहुंचेंगे कैसे? वर्मा, एक रास्ता है, थोड़ा लंबा है लेकिन सीधा मंजिल तक पहुंचाएगा। मतलब ये किए देखो, सीरीज के आगे के सारे नंबर दिख रहे हैं, सिर्फ आखिरी के 3 नंबर बचे हैं। राइट। मतलब 999 रजिस्ट्रेशन, और उन 999 रजिस्ट्रेशन में इस तरह की गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन गिने चुने होंगे। निकालो जितने भी, हमारा शिकार वहीं मिले। सर, ये घर में ना सबके चेहरा पे एगो नकाब है। सब के सब झूठे, सब हमसे बात छुपाता। अम्मा, हेमंत भैया तो आपसे बात इसीलिए छुपाते थे ताकि आपको बुरा ना लगे। हमें माफ कर दो अम्मा, हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे, इसलिए वो बात हम आपको नहीं बताएं। अम्मा, अम्मा। सर, नंबर किरण शर्मा का पता चल गया। उम्र करीब 30 साल, एक प्राइवेट फर्म में काम करती है, लेकिन अभी तक हमें ये पता नहीं चला कि किरण शर्मा ओम मंडल को कैसे जानती है। लेकिन मोबाइल लोकेशन के हिसाब से ओम मंडल अक्सर किरण के घर जाता है। वर्मा, ये आदमी भी बड़ा अजीब। जितना हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं उतने नए नए रूप सामने आते जा रहे हैं इसके। कभी इसकी हत्या का शक घर वालों पर जाता है, कभी बाहर वालों पर। जी सर। किरण शर्मा, मैं ही हूँ। ओम मंडल को तुम कैसे जानती हो? डरो नहीं, तुम जो कुछ भी जानती हो हमें सच सच बताओ। वो मेरे पिताजी हैं। क्या? जी सर, आज से 30 साल पहले उनका मेरी माँ के साथ अफेयर था। उनसे शादी भी करना चाहते थे लेकिन अपने परिवार के कहने पर उन्होंने किसी दूसरी औरत से शादी कर ली। सर, शादी से पहले मेरी माँ प्रेग्नेंट हो गई थी और ये सच जानते हुए भी एक आदमी ने उनसे शादी की, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद उनका देहांत हो गया। तब हमारी माँ ने हमें बताया कि तुम्हारे पापा राजेश ने ओम मंडल है। क्या? उसके बाद हम उनसे मिले। सर, पिछले 14 सालों से उन्होंने हमारी हर ज़रूरत का ख्याल रखा, और हाँ, उन्होंने अपने कुछ पैसे भी हमें रखने के लिए दिए थे। बेटा, मैं तुम्हारे अलावा किसी और पर भरोसा कर ही नहीं सकता। 3 लाख रुपए तुम संभाल कर रखना, वक्त आने पर ये पैसा मैं तुमसे वापस लूँगा और अपनी बेगुनाही को साबित करूँगा। सर, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, सुनीता आंटी उनके परिवार वालों को हमारे रिश्ते के बारे में कुछ मत बताइएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते मरने के बाद हमारे पिताजी के चरित्र पर कोई लांछन लगे। उनके जीते जी तो ये बात राज रही, उनके मरने के बाद हम इस बात को छालना नहीं चाहते। इसलिए उस दिन भी उनके घर तक जाकर भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ठीक, लेकिन कभी ओम मंडल ने तुम्हें अपने डिपार्टमेंट के किसी स्कैम के बारे में बताया था? आप कोई फाइल हो, कोई डॉक्यूमेंट्स हो, ऐसा कुछ दिया था उन्होंने तुम्हें कभी? हाँ सर, याद आया, उन्होंने एक फाइल दी थी रखने के लिए। फाइल मिल सकती है? हम जी सर, मैं लेकर आती हूँ। सर, ये फाइल।
इस फाइल को एंटी करप्शन ब्यूरो भेजो। करप्शन का पता तो हमने लगा लिया, अब पता ये लगाना बाकी है कि कातिल है कौन। और हाँ, कातिल चौकन्ना ना हो जाए इसलिए इस पूरे मामले को हमें टॉप सीक्रेट रखना होगा। आरटीओ से कोई अपडेट? सर हम पता कर रहे हैं। नैरो डाउन करो और मुझे सर को अपडेट करो। सर पुलिस को मिले एकमात्र सुराग यानी हत्या की जगह से मिले सीसीटीवी फुटेज से आधे अधूरे बाइक नंबर के मालिक तक पहुंचने के लिए लगभग 1000 रिकॉर्ड्स टटोले गए। उनकी तहकीकात की गई और आखिरकार इस लंबी और मेहनत भरी प्रक्रिया ने अपना काम कर ही दिखाया। सर मेरी बाइक चोरी हो गई थी और मैंने सोचा बाइक 10 साल पुरानी है तो FIR के लफड़े में क्यों पड़ना। सर अंदर बैठा। सर मिश्रा या वसीम झूठ बोल रहा है, उसके घर की तलाशी है। जी बिल्कुल। सर मुझे नहीं। मिश्रा क्या है वसीम? सर बाइक मैंने रवि को बेची थी सर, जिस बाइक के लिए लोग 20,000 देने को तैयार नहीं थे सर, उस बाइक के लिए रवि ने मुझे 50,000 दिए थे। क्यों? मुझे नहीं पता सर। तेरा यह दोस्त रवि कहाँ मिलेगा? रवि? जी। पुलिस ने कत्ल के मास्टरमाइंड का पता लगाने के लिए रवि से जुड़े हर इंसान तक पहुंचने की कोशिश तेज कर दी। एक एक हिस्ट्री शीटर के रिकॉर्ड को टटोलना शुरू किया और एक अहम कड़ी आखिर पुलिस के हाथ लग ही गई। सर ये रवि और उसका दोस्त सुनील दोनों एक नंबर के छठे हुए बदमाश, लूट कॉन्ट्रैक्ट किलिंग सब मिला के दोनों के खिलाफ करीब 12 मामले दर्ज हुए हैं। CCTV में हमें जो लड़का दिख रहा है वो ना हो वो लड़का ये सुनील ही हो। सुनील किधर रहता है? सर वो इस तरफ रहता है सर। सर ये तो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। ये रवि और सुनील दोनों के एंटायर कॉल हिस्ट्री चेक किया मैंने, सब साफ है। देखो सर, रवि और सुनील ने अब तक कुछ नहीं बोला है और मुझे किसी भी हालत में इस हत्या के मास्टरमाइंड चाहिए, तो अब सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं। या तो तू हमें सब कुछ सच सच बता दे या फिर तुझे भी इस मर्डर के केस में अंदर कर दे। सर सुनील और रवि को सर अब तक सुपारी के पूरे पैसे नहीं मिले होंगे सर, इसी वजह से उनके मुंह पे ताले लगे। अगर सर वो आपको सुपारी देने वाले का नाम बता दे उनको पैसे कौन देंगे सर? ये सब तुझे कैसे पता? सर हम उनके साथ रहे सर इसलिए हमें पता है सर। लेके जाओ सर। वर्मा का शक्कर का पता लगाना है तो चीटी को खुले में छोड़ना ही होगा। सुनील खुशखबरी है तेरे लिए, साहब ने तुझे छोड़ दिया। अब क्या करें, CCTV फुटेज में तू दिख नहीं रहा है, तेरे खिलाफ हमारे पास कोई सबूत है नहीं। ऐश कर। सर हम पहले ही बोल रहे थे हमने कुछ नहीं किया सर। जा। धन्यवाद। हाँ मिश्रा क्या खबर? सर मैं खुद इस घर पे नजर टिकाए बैठा हूँ। सर अभी तो कोई हलचल नहीं हुई। चल बता क्यों मारा अपने बाप? बता
सर हम ना अगले हफ्ते 26 साल के हो जाएंगे, लेकिन अगर हमने अपनी जिंदगी में कुछ देखा है तो वो है यूपीएससी के फेल का रिजल्ट। कुछ ही महीनों में हमारी नेहा से शादी हो जाती है, और सर अगर शादी होती तो जिम्मेदारी भी बढ़ती ना। लेकिन सर हम आपको एक बात सच सच बताएं, हमने ना खुद से बड़ा उल्लू नहीं देखा। हेमंत भैया गुजरात में कमा रहे थे, बाबूजी के पास सरकारी नौकरी थी, और हमें तो घर से निकलने से पहले भी 100 रुपये मांगने पड़ते थे। सर सर आपको पता है बाबूजी इस उम्र में किन लोगों से टक्कर लेने निकल पड़े थे? आयकर विभाग वालों से। लगे थे किसी फिल्मी मिशन पे कि एक दिन पूरे स्कैम का पोल खोल देंगे और बन जाएंगे देश के हीरो। आयकर विभाग वाले बाबूजी को तो ठिकाने लगाते ही लगाते हम लोगों को भी जेल में मुहाल कर देते। सर तो इसलिए तूने सोचा इससे पहले वो ठिकाने लगाए तू ही? नहीं नहीं सर नहीं, अभी हमारी बात पूरी कहाँ हुई है। सर इतने सालों से बाबूजी पूरे परिवार की आंखों में धूल झोंक रहे थे, लेकिन हमें पता चल गया था कि बाबूजी की एक और बेटी है। पिछले 14 सालों से उसी का तो खर्चा पानी संभाल रहे थे। बेटी काश मैं सारी दुनिया के सामने ये कह पाता कि तुम मेरी बेटी हो। सर पैसों की जरूरत हमें थी, बाप की जरूरत हमें थी, नौकरी की जरूरत हमें थी, इन सब पे सिर्फ और सिर्फ हमारा हक। नेहा के घर वाले हमारे हाथ में उसका हाथ कभी नहीं देते सर, इसीलिए हमने ये रास्ता चुना ताकि बाबूजी की हीरोगिरी खत्म हो जाए और हमारी जिंदगी सवर जाए। और अनुकंपा नौकरी मिल जाए इसीलिए तुमने अपने बाबूजी को मार दिया? हाँ सर बिल्कुल, इसी इसी मकसद को अंजाम देने के लिए हम रवि से। गुरु 2 लाख लगेंगे। अरे इतना पैसा नहीं है हमारे पास। अरे तो जिसको लुढ़काना है उसी से मांग लो। मतलब? अरे अपने बाप से मांग लो, बेटे होंगे इतना तो दे ही देंगे। लेकिन सर बाबूजी को तो पता ही नहीं था कि हम उन्हीं के घर के कागज गिरवी रख के उन्हीं की चिता सजा चुके थे, और हमने ये लोन जानबूझकर बाबूजी के नाम पे लिया था ताकि उनके मरने के बाद हमें ये लोन भरना ना। और रवि बाबूजी को मारने का अवसर ही तो ढूंढ रहा था। उस रात हमने बाबूजी को फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। अच्छा वहीं या 3 रास्ता मिलता है स्टेशन के पास। ठीक मैं अभी आता हूँ। हमने तय किया था कि जैसे ये काम खत्म हो जाएगा हम धीरे धीरे करके रवि के पैसे 2 महीने में चुका देंगे, लेकिन आप लोगों ने जैसे ही सुनील को छोड़ा उसने तुरंत किसी नए नंबर से हमसे पैसे की मांग कर दी। वो शायद यहां से नेपाल भागने की फिराक में था, इसलिए हमसे पैसे मांगने आ पहुंचा और हम फंस गए। जिस नौकरी के लिए इतनी बड़ी साजिश की थी ना, अब जेल की सलाखों के पीछे बैठकर उसकी याद कर। पवन की विकृत सोच ने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। इन सारे मामलों में सबसे ज्यादा नुकसान में रही सुनीता, जिसने अपना पति खोया, बेटा खोया, लेकिन ओम की मेहनत और खून दोनों ने ही अपना रंग दिखाया और टैक्स डिपार्टमेंट का स्कैम अब हर न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर की ब्रेकिंग न्यूज बन चुका था और पुलिस ने मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया। जो पिता अपना ही मकान गिरवी रख के अपने बेटे को कारोबार के लिए रकम दे सकता था, वही पिता शायद खुल के बात करने पर पवन की हर समस्या का समाधान भी दे सकता था। इसलिए आपस में खुल के बात करना बेहद जरूरी है।